पीलीभीत में अखलाक नाम के 70 वर्षीय बुजुर्ग पिछले 26 साल से हज पर जाने वाले लोगों को हज में होने वाले हर काम को लेकर जानकारी देते आ रहे हैं। बता दें कि अखलाक लोगों को बताते हैं कि किस तरह से हज को किया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे कपड़े पहनाए जाए इत्यादि। इस साल उन्होंने हर साल की तरह एक प्रोग्राम रखा जिसमें उन्होंने 45 हाजियों को हज के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने हाजियों के लिए खाने का इंतजाम भी किया। वही अखलाक ने बताया कि इस काम से उनको खुशी मिलती है। हाजी साहब, ये किस तरीके का प्रोग्राम है और क्यों किया जा रहा है? जी, मुझे हाजी मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट कहते हैं और ये प्रोग्राम जो है हाफिज अखलाक साहब की जानिब से करीब 26 सालों से चला रहा है और ये पूरे ज़िले के हाजी जो जब ये अभी पिछले दो टर्म से हाजी नहीं गए थे कोरोना की वजह से, अब ये नई प्रोग्राम नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है ये गवर्नमेंट से अलाउ हुआ कि अब जाएंगे हाजी, तब ये पूरे ज़िले के हाजियों को दावत देते हैं, मोबाइल से भी देते हैं, पहले पर्सनली भी कहते हैं और अखबार के में भी निकालते हैं। उसके बाद सारे हाजियों को ट्रेनिंग कैसे किस तरीके से अहराम बांधा जाएगा, किस तरीके से उमरा किया जाता है, किस तरीके से तवाफ़ किया जाता है, किस तरीके से सही की जाती है, किस तरीके से कहाँ से बांधा जाता है अहराम, कौन सी मीकात से बांधा जाता है, तो ये सब चीज़ें बताते हैं। हाफिज साहब का ये जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला इस तरीके के प्रोग्राम करने की इनको इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए अल्लाह ताला, और ऐसे प्रोग्राम ये करते रहें, हम सब इनके प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अखलाक साहब, ये किस तरीके का प्रोग्राम है, क्या क्या बताया जा रहा है इसमें? जितने भी इसमें हज के अरकान होते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है प्रैक्टिकली तरीके से, जैसे अहराम बांधना लोगों को नहीं आता, बग़ैर खिले कपड़े पहने जाते हैं, उसमें बेल्ट वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ें आदमी को नहीं मालूम होती, उसको बार बार प्रैक्टिकल करके हम बताते हैं तो उन्हें वक्फियत होती है, ताकि वहाँ पर जाने के बाद उनके इस पूजा में इबादत में कोई कमी ना। कितने लोगों को आज ट्रेनिंग दी आपने? आज हमने दी है करीब करीब 45 तो हमारे गवर्नमेंट से मंजूर शुदा थे आए थे, और बाकी और जितने भी शौकीन थे वो ये कहते हैं कि साहब हमें खाने पर ना बुलाएं, हम उसमें हमें शरीक कर लेंगे सब।